आप सभी का स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब जोर शोर से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। वो जनता से सीधा संपर्क साध रही हैं और उनसे नए नए वादे कर रही हैं। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, वो उन्होंने जो पुराने समय में जो 2017 में चुनाव हुए, उन्होंने जो वादे किए, क्या उन्होंने वो पूरे किए, और किस आधार पर वो मान रहे हैं कि उन्हें जनता का प्यार फिर वही मिलेगा। इसी खास कार्यक्रम के जरिए आज हम एक और विधायक से जोड़ चुके हैं, मोहनलालगंज लखनऊ सीट से अमरीश पुष्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश जी, वन इंडिया में आपका स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते मैडम, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। अभी सपा वादे कर रही है बहुत सारे, और फिर वो चाह रही है कि भाजपा को उखाड़ फेंकेगी और दावे कर रही है कि 400 सीटें लेकर आएगी। तो ऐसे में मोहनलालगंज सीट की बात करें, क्योंकि वो राजधानी से जुड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, तो आपने जो 2017 में वादे किए और उनपे क्या आपने जनता के बीच क्या काम किया जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि जनता का वही प्यार आपको मिलेगा? देखिए मैडम जी, 2017 में, जहां तक 2017 की बात है, जहां पूरे प्रदेश में योगी मोदी जी की लहर थी, उसमें एक मोहनलालगंज क्षेत्र भी ऐसा था, हमारी विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा था कि जहां की जनता ने सारे हवाओं को, आंधियों को किनारे करते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे चुना, विधायक चुना, और तब से मैं लगातार क्षेत्र की जनता का आभारी हूँ। लगातार क्षेत्र की जनता के लिए मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूँ और लोगों के काम ज्यादा से ज्यादा मैं कराने का प्रयास करता हूँ। जहां तक विकास की बात रही, तो 2012 से लेकर जो 17 तक का जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और जो जितना काम हमारी विधानसभा लखनऊ में हुआ है, हमारी विधान लखनऊ के हमारी विधानसभा क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना कार्य किया था कि शायद उसी के आधार पर वहां की जनता ने मुझे पुनः चुना समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगभग आप देख जानती हैं कि इंटरनेशनल स्टेडियम हमारे क्षेत्र में है, आईटी हब हमारे क्षेत्र में है, विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ तक कि अमूल डेयरी प्लांट है, ये भी हमारे क्षेत्र में है, कैंसर हॉस्पिटल हमारी विधानसभा क्षेत्र में है। इसके साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 2012 से 17 तक हमारे क्षेत्र में चौतरफा सड़कों का एक जाल सा बिछाया गया था। जो चौतरफा विकास हुआ वो 2012 से 17 तक के कार्यकाल में हुआ। इस समय हमारे क्षेत्र की हालत ठीक नहीं है, सड़कें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। मेरे द्वारा बराबर मांग उठाने जाने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र को पूरी तरीके से इस सरकार, भाजपा की सरकार द्वारा उपेक्षित कर रखा गया है वर्तमान सरकार। अच्छा। आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार होती तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाते, और जो वादे किए उसमें जो आपसे हो सका आपने उसको कंप्लीट किया? देखिए, मैंने क्षेत्र में जो वादे किए थे जनता के बीच में बराबर जा रहा हूँ। हमारी क्षेत्र में चूंकि कृषि प्रधान है, यहाँ पे ज्यादातर किसान रहते हैं, छोटा वर्ग, दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग की संख्या हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है, और कृषि के लेकर के यहाँ जो समस्याएं ज्यादातर विद्यमान रहती है, कृषि को लेकर उसमें जैसे सींच के लिए पानी की व्यवस्था करें, तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी सींच के लिए नलकूप, जहाँ नहरों की सिंचाई का साधन नहीं है, वहां पर नलकूप की स्थापना कराना हमारा लक्ष्य है। और मैंने विगत कुछ दिनों, जब विगत 4.5 साल में करीब मैंने 8 से 10 राजकीय नलकूपों की मैंने स्थापना भी कराई है। कोशिश की है कि नहरों का पानी जो है टेल तक पहुंचे, उसमें भी बराबर मैं काम करता रहा हूँ। और ये अपने क्षेत्र में जो हमारा एक मुख्य एजेंडा है कि हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई भी एक राजकीय डिग्री कॉलेज ना होने से हमारे गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे और बच्चियां स्कूल तक शिक्षा उनकी बीच में ही ब्रेक हो जाती है, क्योंकि निजी कॉलेजों में फीस दे पाना यहाँ के लोगों के बच्चों के बस की बात नहीं, तो इसलिए वो इंटर के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार से, कई बार मैंने 4.5 साल से मैं सरकार से प्रयास कर रहा हूं कि आप हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएं, लेकिन सरकार द्वारा इसको मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया।
और हमारे क्षेत्र में आज एक भी डिग्री कॉलेज राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जल्द से जल्द हम लोग एक राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना कर पाएंगे। जी, राजकीय डिग्री कॉलेज से पहले आपने बोला किसानों की समस्या, क्योंकि मोहनलालगंज से जो हम लोगों का संपर्क हुआ और जो लोगों की शिकायतें हैं वो यही है कि नहरें भरी पड़ी हैं, उसमें पानी नहीं है, उसमें कूड़ा कचरा जमा हुआ है, और जो किसान है गरीब किसानों को अपने अपना खुद का धन लगा के उन्हें सिंचाई करवानी पड़ती है। तो सिंचाई के संसाधन जब आपकी सरकार में थे तभी भी यही प्रॉब्लम थी उन लोगों को कि प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था पानी, तो उसका एक जो क्या इसमें विभाग लचर है, इसमें क्या समस्या समझ में आती है आपको? देखिए, इसमें जो समस्या है हमारी सरकार में नहरों की सिल्ट की सफाई साल में 2 बार की जाती है। अब जब से भाजपा की सरकार आई है साल में 1 बार सिल्ट की सफाई होती है, वो भी मात्र खाना पूर्ति होती है। अभी भी मैं कल भी मैं कुछ जगह निरीक्षण करके आया तो इतनी ज्यादा सिल्ट जमा हो गई है कि अगर पानी चलता है तो टेल तक वो पानी नहीं पहुंच पाता, बीच में इतनी सिल्ट जमा हो जाती है बार जिसे वो टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। मेरे द्वारा बार बार जितनी भी शिकायतें मेरे पास आती हैं कि टेल तक पानी पहुंचना चाहिए, तो मैं बराबर अधिकारियों से, एक शहर से संबंधित विभाग के जूनियर इंजीनियरों से सबसे मैं बात करके मैं कोशिश करता हूँ कि वो समस्या बीच में निस्तारण हो और लोगों को टेल तक पानी पहुंचे, ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जब सरकार आएगी, अगर बनती है, तो ये किसानों की ये समस्या समाधान होगा उसका। बिल्कुल, मेरी सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार रहती है और सब वर्ग को लेकर साथ चलने वाली समाजवादी सरकार। इसके पूर्व हमारे क्षेत्र में जब समाजवादी सरकार थी तो अब किसानों के लिए सीच भी मुफ्त की गई थी, नलकूपों के लिए फिक्स चार्ज था जो इस सरकार द्वारा मीटर लगा देने के कारण इस समय बड़ी भारी बढ़ोतरी हो गई है उनके बिलों में। अगर वो सिंचाई भी अगर बिजली के माध्यम से भी कर रहे हैं तो वो उसका बिल कई कई हजारों में आता है, जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है कि उसको भी संभव नहीं है कि वो डीजल के माध्यम से, डीजल के पंपिंग सेटों के माध्यम से वो अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। तो किसानों की स्थिति इस समय सरकार में ज्यादा अच्छी नहीं है और दिन पे दिन उनकी स्थिति आय दूनी करने की बजाय उनकी आय दिन पे दिन कम होती चली जा रही है। आपने बिजली की बात की, मोहनलाल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की समस्या ये है कि 20 घंटे बिजली का वादा तो किया जा रहा है लेकिन 15 से 14 घंटे बिजली, 12 घंटे बिजली आ रही है, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो गई तो बहुत समस्या होती है कि एक एक दिन पूरे पूरे दिन लाइट नहीं आती है, जो लोगों ने समस्याएं हमें बताई। तो क्या लगता है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए कि अभी मतलब राजधानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तभी भी वहां पे भी ग्रामीणों को नहीं बिजली मिल पा रही है, और जिसके कारण जैसे सिंचाई के लिए आपने बोला तो सभी चीजें आज क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, सभी बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में इंटरनेट पे हो रही है, तो बिजली तो एक बेसिक चीज है। मैडम जी, ये जो है हमारे ये सरकार वादे चाहे जो भी करती है लेकिन वादा धरातल पे कहीं पूरा नहीं होता दिख रहा है। 24 घंटे की बिजली के नाम पे आपूर्ति की वादा किया जाता है लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 18 से 20 घंटे ही बिजली मिल पाती है, और बाय द वे कहीं एक आध दिन कोई आंधी या कोई प्राकृतिक आपदा हो गई तो महीनों महीनों बिजली गायब हो जाती है, तमाम तरीके की असुविधा हो जाती है। लेकिन सरकार के पास, क्योंकि जब भी किसी अधिकारियों से बात करो तो बस वो यही कहते हैं कि हमारे पास बजट का अभाव है, इसमें टाइम लगेगा, हम लोग इंतजाम करने पर लगे हैं। लेकिन सरकार अभी भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने का वादा तो कर रही है, 24 नगरीय क्षेत्र के हिसाब से बिजली का बिल भी वसूल कर रही है, लेकिन किसी भी तरह वो 24 घंटे बिजली दे पाने में पूरी तरीके से असमर्थ हो चुकी है सरकार। दीवानगंज की बात लंबे समय से पेंडिंग है और जनता को बहुत दिक्कत हो रही है, 500 मीटर की दूरी उसे 5 किलोमीटर दूर से जाके पूरी करनी पड़ रही है क्योंकि एक नाले की वजह से। तो आपको आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर बार हर चुनावी मुद्दे में वहां के लोगों से वादा किया जाता है और वो पूरा नहीं हो रहा है, तो हमारी बिल्कुल आप कहना चाहते हैं कि वो कब पूरा होगा? आपकी जो ये समस्या बताई है, दीवानगंज का पुल जो बांध नाले पे बनना है, ये नाले को लेके पुल जब से मैं विधायक बना इसके लिए मैं बराबर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उनके द्वारा एक क्राइटेरिया बता दिया जाता है
बार बार क्योंकि काम ना करने की वजह से मैं इन्होंने उनका कहते हैं कि अगर 5 किलोमीटर की परिधि में कोई उस नाले पे पुल बना हुआ है तो नए पुल का निर्माण हम नहीं कर सकते। बार बार कहने के बावजूद उन्होंने इस पुल, क्योंकि गांव के आधे लोगों के खेत बाघ नाले के उस पार है, उसके लिए अपने खेतों पे जाने के लिए उनको 5-5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। ये समस्या हमारी प्रायोरिटी पे है और निश्चित उम्मीद करता हूं जब ये जो काम इस सरकार में नहीं हो पा रहा है तो 6 महीने बाद जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये दीवानगंज का ये बाघ नाले का जो पुल है वो हम विगत 6 माह के अंदर ही हमें उस पुल का निर्माण कराने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर ये दीवानगंज पुल का निर्माण होगा। अब बात करते हैं, आपने कॉलेज की बात की तो हमारे दर्शकों का ये भी सवाल था कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए वहाँ उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं है। आपने शुरुआत में बोला कि हम उसका भी प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जब आप फिर से विधायक बनेंगे तो अगली बार बच्चियों को हमारे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। विधायक जी, अगला सवाल हमारा ये है कि आपकी रणनीति क्या होगी और चुनावी मुद्दे क्या होंगे? देखिए, हम लोग अब की विकास के मुद्दे पे जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोगों के पिछले कार्यकाल में इतना विकास कार्य किया गया। मोहलालगंज की जनता ने, लोगों ने पिछले समाजवादी पार्टी के कार्य में हुए विकास कार्यों को याद कर रहे हैं। 5 साल बीत गए हैं, 5 साल बीत गए हैं। मोहलालगंज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, लेकिन 7 साल हो गए सांसद जी को। एक रिज्यूम हो गया, दूसरा भी उनका 2-2.5 साल बीत चुके हैं। वर्तमान समय में वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अभी भी उनके द्वारा हमारे विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार द्वारा कोई भी काम ऐसा नहीं कराया गया जिससे लोगों को फायदा हो। जितने भी कार्य कराए गए हैं पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार के ही कार्य हैं जो अभी तक चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के विकास कार्य के अलावा इस सरकार में कोई भी काम नहीं कराया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी कार्य, चाहे डिग्री कॉलेज हो या सड़कें हो या नहरों की पानी हो या रोजगार की कोई व्यवस्था करना हो, तो वो हम लोग 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र मोहलालगंज का चौमुखी विकास होगा, हर तरफ खुशहाली होगी, यही मैं उम्मीद करता हूं। जो किसानों, ये सभी युवाओं के लिए ऐसा क्या आपका प्लान है, एजेंडा है जो युवा विधायक जी को वोट करें? देखिए, समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है। आज की डेट में अगर युवाओं के लिए कोई सोचता है तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी। आज समाजवादी पार्टी युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात पहले ही अपने कैबिनेट बैठक में माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने घोषणा कर रखी है। और युवाओं के लिए सबसे ज्यादा टेबलेट और इसके पहले लैपटॉप देने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। बेरोजगार लोगों को अगर कोई भत्ता देती थी, बेरोजगारी भत्ता, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ही देती थी। तो युवाओं ने अगर अपनी ठान रखा है कि अगर कोई युवाओं के हित में कोई सरकार काम कर रही है तो वो समाजवादी पार्टी सरकार है। तो मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार युवा हमारी विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बराबर हमारे साथ हर कदम से कदम में साथ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बड़ी तादाद में युवा आपकी समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की ओर अग्रसर है। अच्छा, क्योंकि आप सपा के उसमें रहते होंगे तो आपको किस आधार पे लग रहा है कि जो 400 सीटें जीतने का वादा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो किस आधार पे, क्या आपको कमियां लगती हैं जो योगी सरकार में, और ऐसा क्या हुआ जो जनता का 400 सीट जीत जाएगी सपा? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे माननीय राज्य थे जिन्होंने जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, ये बिल्कुल सही दिया है। अब की इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मतलब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार के, जिसने सरकार हित में काम किया हो। आज सारा व्यक्ति, सारा वर्ग, सारा जाति, धर्म, समाज, बेरोजगार, किसान, नौजवान, सब जितना है सब इंतजार कर रहा है 2022 में, क्योंकि 4.5 साल में इस सरकार ने केवल जुमले के आधार पर लोगों को ठगने का काम किया, किसी को रोजगार नहीं दिया, बड़ी संख्या में क्षेत्र में अपराधी घटनाएं पड़ी है, अपराध को पूरी तरह संरक्षण मिल रहा है, थानों में जम के भ्रष्टाचार व्याप्त है,
कहीं कोई सुनवाई आम और गरीब आदमी की नहीं हो रही, हर वर्ग त्रस्त है। तो निश्चित तौर पे अब की हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नारा है, अब की हम लोगों को सब जाति धर्म वर्गों से छोड़ के विकास के नाम पर प्रदेश की जनता वोट करने जा रही है और अब की बार 400 पार का नारा बिल्कुल सार्थक होने जा रहा है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या होगा आपकी सरकार में? महिलाएं मोहनलालगंज की जो है अच्छी खासे वोटर संख्या है उनकी, महिला और दलित जो पिछड़ा वर्ग है। मैं देखिए, हमारा मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे हम आधी आबादी महिलाओं की, उसमें खास तौर पर दलित महिलाएं ज्यादा हैं, उसके बाद पिछड़े जाति के समाज की महिलाएं हैं। तो समाजवादी पार्टी तो जानती है कि महिलाओं के लिए हमेशा सोचती रही है। अब की जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, गरीब महिलाओं के लिए खासतौर पर समाजवादी पार्टी की पेंशन योजना जो है, हम लोग 1500 रुपये महीने यानी कि 3 महीने में 4500 रुपये हम लोग गरीब महिलाओं को पेंशन देने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं जिससे हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए भी माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा एक रणनीति बनाई जा रही है, और हम सोचते हैं हमारे आने वाली सरकार में चौतरफा खुशहाली होगी, महिलाएं खुशी होंगी, आवारा पशुओं से निजात मिलेगी, और किसान खुशी होंगे, छात्र खुश होंगे, व्यापारी खुश होंगे, हर वर्ग का जब हमको समर्थन मिलने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ काम करने के लिए तैयार है, सबको साथ लेके हम लोग साथ चलने के लिए तैयार हैं। पुष्कर जी, अभी प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले महिला कार्ड खेला और उन्होंने बोला कि हम 40% जो महिला वोटर होंगे, इसके बारे में सपा का क्या रणनीति होगी, कुछ आप जनता के साथ खेल करेंगे? महिलाओं को समाजवादी पार्टी में हमेशा सम्मान मिलता रहा है, और अभी तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिलाओं को बराबर प्रतिनिधित्व देते रहते हैं। माननीय हमारे पूर्व सांसद डिंपल जी है, हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा जूही सिंह जी है, लगातार महिलाओं पे काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी में बड़ा प्रतिनिधित्व आधी आबादी हमारी महिलाओं को मिलने जा रहा है। तो क्या टिकट के बंटवारे में महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल दी जाएगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिल्कुल सोचते हैं सबके विषय में, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट समाजवादी पार्टी के द्वारा मिलेगा। विधायक जी, अगर आप योगी सरकार को फेल बता रहे हैं तो किन जो खास मुद्दे हैं उनमें, किस मामलों में? एक आपने अपराध बताया, एक उसके मामले में बताया, तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों में वो योगी सरकार फिर सरकार नहीं बना पाई, किस आधार? योगी सरकार 4.5 साल में लोगों की सुरक्षा करने में असमर्थ रही है। आज गांव में किसान आवारा पशुओं से परेशान है, किसी भी गांव घर में चले जाइए तो उस घर का कोई भी व्यक्ति रात में खेतों में ही पड़ा मिलता है टार्च लिए। मैं तो रातों में जाता हूं तो लोग रात भर अपने खेतों से आवारा पशु नील गाय और आवारा पशुओं को भगाते हुए मिलते हैं, पूरा वर्ग परेशान है। अगर वो किसी तरीके से बच गया तो उसको अभी जो अभी फसल कट रही है, आप देखिएगा धान की फसल है, पिछली बार 8 रुपए 9 रुपए में धान मिला बिका था गरीबों का, तो क्रय केंद्रों पे इनके इनके धान की खरीदारी भी नहीं होती, गरीब किसानों की खरीदारी नहीं होती, किसान अपना MSP का मूल मांग रहा है वो उनको मिल नहीं रहा है। तो तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार, योगी सरकार हर जगह फेल रही है। युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हुआ है, वो निश्चित तौर पर ऐसी सरकार को नहीं देखना चाहता। चारों तरफ निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज चारों तरफ निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर रोजगार की संख्या में बड़ी संख्या में कमी होगी। तो चारों तरफ रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, रोजगार लोगों के छिनते जा रहे हैं, रोजगार कम होते जा रहे हैं। तो हर वर्ग, मैंने कहा कि हर वर्ग इस समय योगी सरकार से त्रस्त है और आने वाले दिनों में योगी सरकार को सत्ता से उखाड़ने का काम करने जा रहा है। आपने बताया ये जो छुट्टा जानवर है उनसे किसानों को दिक्कत हो रही है, वो सभी क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका बीच का सलूशन क्या आपके हिसाब से हो सकता है? देखिए, योगी सरकार ने जो भी उसका सलूशन निकाला उसका ढंग से पालन नहीं किया। उन्होंने गौशाला बनाए लेकिन गौशालों में जो उनको उनके खान पान के लिए जो 30 रुपए दिए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, पशु इसलिए उसमें भूखे रह जाते हैं, लोग कोई भी नहीं चाहता कि गोवंश भूखे रहे, इसलिए रात में उनको खुला छोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ सरकार की नीतियां जो रही हैं, कोई भी नीतियां वो ढंग से बना पाने में असफल रही है। दिक्कतें आ रही हैं और योगी सरकार हर मामले में फेल होती चली जा रही है। विधायक जी, आप
अब क्योंकि आपने महिलाओं की शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं सभी सभी मुद्दे हमने कवर कर लिए हैं, आपका मास्टर स्ट्रोक क्या होगा जो आप पिछली क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत, तो अभी आपका मास्टर स्ट्रोक इस चुनाव में क्या होने वाला है? ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सुख दुख में आम लोगों के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। जनता में माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति भारी रुझान है, लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को देखना चाह रहे हैं, हम लोग को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूँ इसी तरह पूरे प्रदेश का माहौल है। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार हमारे क्षेत्र की जनता का हमें प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई और जो है हमारी विधानसभा क्षेत्र में आएगा। अब हम लोग हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीतने का काम करेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ जुड़े थे विधायक पुष्कर जी मोहनलालगंज से। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में आपको जनता का फिर वही